साथियों अभी रागनी सुन रहे थे, रागनी की जो अंतिम कली आपने सुनी थी उसमें आपने सुना था राजा रोते हुए अपने ही बेटे उस संत बने हुए पूर्णमल को पहचान नहीं पाए थे और रोते हुए ये कह रहे थे कि मेरा कदे कदे दिल न्यू चावे गुरु खाके मरू कटारी में, फड़की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में, लड्डन सिंह राजबल मन की खोल सुनाती सारी में, और फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनियादारी में। क्यों? क्योंकि बात मरे पे कौन देखे, बात मरे पे कौन देखे जब जीते जीव तरा कोन्या, जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोन्या। राजा संत बने हुए पूर्णमल से वहां पर बातचीत कर रहे थे और राजा के मंत्री ये सोच करके कि जब इतना तपस्वी संत बाग के अंदर आया है जिसके पैर रखते ही जो बाग 14 साल से सूखा पड़ा था एकदम से हरा हो गया, तो क्यों ना बड़ी रानी इंचरा दे, पूर्णमल की जननी माता, उसको पूर्णमल के दर्शन करवाए जाए, हो सकता है इस संत की करामात से महारानी इंचरादे को दिखना भी शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि जिस समय ये बाग मुरझाया था उसी समय रानी भी नेत्रहीन हो गई थी। तो राजा के मंत्री पूर्णमल की जननी माता को लेकर के बाग के अंदर आ जाते हैं। गुरु गोरखनाथ का हुक्म था कि तुझे अपनी माता के चरण छू करके आने ही। जब अपनी जननी माता को आते हुए देखा पूर्णमल ने तो अपने धुने से खड़े हो गए और जाकर के महारानी इंचरादे के चरणों को हाथ लगाया और जैसे ही चरणों को छुआ महारानी इंचरादे ने भी अपना हाथ पूर्णमल के सर के ऊपर रखा और जैसे ही हाथ को रखती है उसे यह आभास होने लगा कि जैसे तेरा बेटा तेरे पास में आ गया है, स्तनों में दूध निकलने लगा और ऐसा महसूस होने लगा, आंखें खोलती है तो देखती है कि आज वही बेटा जिसको 14 साल पहले जल्लादों को सौंपा गया था आज वो साधु के संत के भेष में उनके सामने खड़ा है। पहचान कर लेती है, सीने से लगा लिया और रो पड़ी और रोते रोते पूछने लगती है बेटे जिस दिन से तू मेरी नजरों के सामने से गया मैंने इस दुनिया में किसी की शान और शकल नहीं देखी, आज 13-14 साल के बाद में लौट करके आया है, तू कहां था मेरे लाल। इस बात को सुनो पूर्णमल भी कहने लगते कि माता मेरा कोई दोष नहीं था, मैं बेकसूर था, मुझे निर्दोष को मरवाया गया, मेरा शरीर काट करके जल्लादों ने कुएं के अंदर डाल दिया था और मुझे तो जीवन दान देकर के गुरु गोरखनाथ ने यहां पर भेजा है, मैं तेरे चरण छूने के लिए आया था, तेरे दर्शन करने के लिए आया था। साथियों राजा भी पहचान कर गए कि हाँ ये तो वास्तव में मेरा बेटा पूर्णमल मेरे बाग के अंदर आया है, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगते रे पूर्णमल बेटे मैं तुझको पहचान नहीं पाया, इस फकीरी बाड़े को तार दे और शाल कोट का मालिक बन जा, इस राजगद्दी पर बैठ जा। तो वहां पर किस तरह से पूर्णमल और उसके पिता के बीच में सवाल और जवाब होते हैं सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। आइए कैसे बना Yeah.
ममता की झाल उठे है तन में। अरे बुझती कोन्या दिखे बुझती कोन्या भड़के है घी केर के रात अगन में रखी केर के रात अगन में। मेरे सर के धड़े बाल बुढ़ापा सर के धड़े बाल बुढ़ापा तू ही एक सहारा। वो ईश्वर सबका वो ईश्वर सबका रक्षक है मन भूल में गोते खारा रे मन भूल में गोते खारा। महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने हो गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू हूँ कुछ थोड़ी सी तेरे करी कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया तने सुखा दिया था पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने हो फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं कर दूं उतरा फर्ज हमारा। अरे मैं खाती से सुन मैं खाती से निकड़ गया ना कूबे में पड़ूं दोबारा रे ना कूबे में पड़ूं दोबारा again।
एक जगह कैसे रुक जाइयो तो।